हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपके लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। प्रस्ताव, उच्च शिक्षा ले रहा है करोड़ों स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार देगी लैपटॉप टैबलेट मोबाइल टीवी। उच्च शिक्षा ले रहा है स्टूडेंट के लिए कुछ खबर है। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग करोड़ों स्टूडेंट्स को लैपटॉप मोबाइल जैसे डिजिटल डिवाइस देने की तैयारी कर रहा है। डिजिटल एजुकेशन पैडमिक कोरोना वायरस महामारी के दौरान पहली बार हर स्तर पर शिक्षा ऑनलाइन चल रही, लेकिन इस समय ने यह एहसास कराया है कि अभी भी पूरी तरह डिजिटल एजुकेशन लागू करने के लिए कुछ अन्य पड़ाव भार पार करनी जरूरी है। इस दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से देश के विभिन्न कॉलेज व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट टीवी मोबाइल फ़ोन जैसे डिजिटल डिवाइस देने की योजना के रूपरेखा दी गई है। इसके लिए अगले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को 15वें वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रेजेंटेशन में यह प्रस्ताव रखा है। चरणवृत्त तरीके से दिए जाएंगे डिवाइस। प्रस्ताव में बताई गई योजना के अनुसार मंत्रालय ने 2025-2026 तक देश भर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे करीब 40% स्टूडेंट्स को यह डिजिटल डिवाइस देने की बात रही है। अभी देश के विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में करीब 3.75 करोड़ स्टूडेंट्स कुछ शिक्षा के लिए नामांकित है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले साल यानी 2021-22 में 1.5 करोड़ और 2022-23 में 55 लाख, 2023-24 तक 61 लाख और 2024-25 में 67 लाख और 2025-26 तक 73 लाख स्टूडेंट्स को डिजिटल डिवाइस दिए जाएंगे। राज्य सरकार को भी देना होगा योगदान। वहीं 5 साल में 4,000 करोड़ में से 36,470 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, बाकी कर संबंधित राज्य सरकार को वहन करना होगा। प्रस्ताव में मंत्रालय ने हर डिवाइस पर औसत खर्च 15,000 रुपये रखा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।